पटियाला फतेहगढ़ बॉर्डर पर गांव बागड़िया के पास एक नाजायज शराब से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना का मुख्य कारण गाड़ी रफ्तार तेज होना है। जानकारों के अनुसार पुलिस को देखकर गाड़ी तो तेज रफ्तार से लेकर जाने के बाद यह दुर्घटना हुई। जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह की है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लाश व गाड़ी में पड़े शराब के जखीरे को अपने कब्जे में लिया। गाड़ी में देसी व अंग्रेजी शराब भरी पड़ी थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह व्यक्ति दारू लेकर आता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वह मौके पर पहुंचे हैं और तफ्तीश कर रहे हैं कि मरने वाला व्यक्ति शराब का काम करता था कि नहीं, लेकिन इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जो पटियाला का रहने वाला है। पटियाला से ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद टीवी न्यूज। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मिली थी गड्डी एक्सीडेंट हो गई है, तो आके मौके देखा, ड्राइवर नूं लोकां दी मदद नाल कढ़िया ते सिविल हॉस्पिटल फतेहगढ़ पहुंचाता, डेड बॉडी उन्हें मर गया सीगा उन्हें दी, हां एट द स्पॉट मौत। जिवें गड्डी दारू हैगी, की एक नंबर शराब हैगी जी, शराब चंडीगढ़ मार गया की हैगी परमिशन। हां जी हां जी, कैश संतरा चंडीगढ़, और भी देखते हैं कि हैगी वो नाल दे नाल चल रही है तफ्तीश जी।